हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का मैं अपने चैनल बेबू की मम्मा टू में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग आज मेरी वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा। आज मैं कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं ना छुप करके, उनके लिए कुछ मैसेज छोड़ रखे हैं। तो मेरी वीडियो को छुप कर देखने वाले उस मैसेज को ज़रूर देखना, क्योंकि वो मैसेज तुम्ही लोगों के लिए। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मेरे ब्लॉग पे। हो गई थी और मैं आई हुई थी छत पे, और यहाँ छत पे देखिए कितने सारे नीम के पत्ते गिरे हुए हैं। तो अभी नीम के जो पत्ते हैं वो छत पे झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू लगा देती हूँ और यहाँ देखिए मैं पूरी छत की झाड़ू लगा दी यहाँ पर, और साथ में पौधे में पानी भी डाल देती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे अभी टाइम नहीं मिलेगा आने के लिए। उसके बाद भी मैं पूरे मिलती रहूँगी। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं स्कूल से ना, शाम को ही छत पर आना हो जाता है, या तो फिर भी मुझे कपड़े सुखाने के लिए आना होता है। तो अभी आई हूँ तो मैं सोच पौधे पर पानी भी डाल देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुबह उठ गई थी। तो छत पे आने के बाद मैं फ्रेश हो गई, नहा ली और यहाँ मैं अपने लिए चाय बनाई। आइए आप लोग भी मॉर्निंग का चाय पी लीजिए। फिर अभी मुझे अब बच्चों के लिए सारी चीज़ें भी रेडी करनी है, तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ। नाश्ता लगा देती हूँ ताकि बच्चे यहाँ नाश्ता करते रहें, फिर उधर मैं इनका लंच बॉक्स भी रेडी करूँ। तो यहाँ पराठा दे देती हूँ और ये नाश्ता करेंगे। मैं इडली भी बना रही हूँ तो उसकी आप लोग को अभी दिखाती हूँ। तो अभी मैं इडली ही बना रही हूँ और साथ में इनको पराठा जो बन गई थी जल्दी से कुछ खाने के लिए। देखिए इडली भी बन रहे हैं साथ में, और इधर मैं टमाटर रखती हूँ, इसकी चटनी बनाऊँगी। गैस पर ही रखी थी भूनने के लिए। बच्चे तो उधर नाश्ता कर रहे हैं, तब तक ये इधर हो जाएगा मेरा, तो इसका चटनी भी बना दूँगी। तो लंच में ये पराठा के साथ इडली भी लेकर के जाना है बेबू को। और बेटा रखा होगा इडली का, तो उसको और भी बनाना है मुझे। और ये देखिए ये मेरा बेटा ही, तो जल्दी जल्दी करना रहता है ना, इसलिए मुझे इतना मैं अच्छे से वीडियो नहीं ले पाती हूँ। और यहाँ देखिए इससे मैं चाय बनाई थी, तो दूध इसमें भी रखा है, दूध भी अंदर नहीं रखा। बच्चों को मैं भेजती हूँ स्कूल, और ये देखिए ये बिस्तर है जहाँ पर बैठ करके वो तैयार होते हैं। तो अभी वो चले गए हैं और अभी मुझे इसकी बेड शीट चेंज करनी है, तो ये बेड शीट मुझे लगानी है। तो मेरा बस अभी यही काम बचा हुआ है, बेड शीट बदलना। तो जल्दी से बेड शीट को चेंज कर देते हैं, क्योंकि बेड शीट जो भी बिछी हुई है उसको धोना भी है मुझे। तो यहाँ मैं बेड शीट निकाल दी हूँ दोनों साइड से, एक उधर भी बेड रखी है उसमें से भी, और अपनी इधर वाली बेड, और
ये दोनों को अभी लगा देती हूँ मैं। और यहाँ देखिए दोनों बेडशीट दोनों जगह मैं बिछाती हूँ। इसमें जो निकाली हूँ ना उसको दिखाती हूँ, सेम मेरे पास चादर डबल है तो उसमें जो निकाली हूँ उसको अभी दिखा देती हूँ आपको, कौन सी मैंने बेडशीट निकाली थी उसमें से और कौन सी अभी बिछाई है। तो देखिए इस बेडशीट को मैं निकाली हूँ और उसको बिछा दी हूँ, और साथ में ये वही बेडशीट है देखिए, वो दिखाती हूँ ये देखिए। तो ये मेरे पास डबल है बेडशीट, तो एक तो मैं बिछाती हूँ और ये दूसरी निकाली हूँ जो उसमें बिछी हुई थी, ये देखिए इसमें बिछी हुई है एक, और एक मेरे पास ये रखी है जिसे अभी मैं निकाली हूँ धोने के लिए। ये दोनों को अब ले चलते हैं धोने के लिए। यहाँ पे मेरी बेबो खेल रही थी, तो यहाँ देखिए क्या खेल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये वीडियो मैं दूर से ले रही थी, उसको पता नहीं था कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो कुछ बातें भी वो कर रही थी इसके साथ में करते करते। बच्चे जब खेलते रहते हैं तो उसकी भी थोड़ी मैं वीडियो बना के रख लेती हूँ ताकि उनको भी याद रहे कि वो छोटे थे तो किस तरह क्या क्या खेलते हैं। कभी बड़े होकर के इस वीडियो को देखेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि वो क्या क्या खेलते थे, एक यादें ही हैं ये। बच्चों को अभी जाना है ट्यूशन, और यहाँ मैं जो पराठा निकाली हूँ ये बहुत ही गर्म है, तो यहाँ मैं ठंडा होने के लिए कर रही थी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और बच्चे इसको खा करके जाए। तो पराठे को इसी तरह मैं बाइट करके उसको ठंडा कर रही थी। और बेबो को चाहिए था जेब में पराठा खाना, तो उसको जेब में देना है मुझे, तो पहले इसको थोड़ा सा ठंडा कर देती हूँ और इसमें लगा देती हूँ जेब। तो दोनों खा लेंगे उसके बाद फिर जाएंगे ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। तो चलिए बताते हैं कि मेरी जो वीडियो है छुपकर जो देखते हैं उनके लिए मैंने मैसेज क्या छोड़ी, और जो छुपकर देखते हैं वो मेरे अपनों के लिए नहीं उनके लिए है जिनको मेरी यूट्यूब चैनल से प्रॉब्लम है ना, तो उन्हीं के लिए मैसेज है। तो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना कि यहाँ मैं बोल क्या रही हूँ। तो शिवरी नारायण पंचायती करवाने वाली थी ना, कब करवाएगी पंचायती, तैयार हूँ उसके लिए मैं, है ना, याद है कि भूल गई। और तो और प्रूफ लेने के लिए भी भेजी थी, वो प्रूफ तेरे पास रहना चाहिए, जब यहाँ पर मैं सवाल कर रही हूँ तो उसका जवाब भी मेरे पास होगा।
दिखाती हूँ मैं ये क्या चीज़ है, देख ले अच्छे से। और तेरे आसपास जो देखते हैं ना फुल स्क्रीन में मेरी वीडियो को, उसको भी दिखा देना ये है क्या चीज़। ये देखो, तो जो प्रूफ लेने गए थे ना वो प्रूफ मेरे पास उसी समय से था, लेकिन रिश्तेदारी में मैं कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप रहती थी, लेकिन अब नहीं छोड़ सकती। जब तुम लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी का रिश्ता ही बना रखा है तो फिर मैं क्यों रिश्तेदारी निभाते रहूँगी। तो मैसेज तेरे लिए ही है। और हाँ, कोई क्या बोले थे मेरे से कि जो मेरे कमाई खाते हैं वो मेरा गुण गाते हैं, तो उस घर में मैं भी रहती हूँ और तुम्हारे कमाई खाने वाले कितना गुण गाते हैं वो मुझे भी पता है। 21 फरवरी 2023 कैमरा लगा रखी है ना, तो सुनना जरूर, सुनना सुनाई देता भी है कि नहीं, नहीं सुनाई देता होगा ना। पर उस दिन की बातें जो है ना मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है, किसी दिन उसकी वीडियो डालूँगी वॉइस ओवर, जो खुद कौन क्या क्या बोल रहा है और कौन बुलवा रहा है ना। तो वीडियो फुल देखना, 21 फरवरी 2023। दो बार इसलिए बोली कि अपने जो कैमरा है ना उस पर देखना कि तेरे कमाई खाने वाले तेरे गुण कैसे गा रहे हैं। किसी दिन इसकी वीडियो डालूँगी। तारीख तो सिर्फ इसलिए बताई हूँ कि 21 फरवरी को ना किसने क्या क्या बोला, तेरी ही कमाई खाने वाले तुझे कैसे गाली देते हैं, वो भी घर के नहीं बाहर वाले, तेरे ही घर के अंदर। अच्छे से देख लेना और अच्छे से सुन भी लेना, फिर बोलना कि हाँ मेरी जो कमाई खाते हैं ना मेरा गुण इसी तरह गाते हैं। थोड़ा सा